हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन मैट्रिक्स क्लासेस। बेटा आज जो अपन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास बिल्कुल लेटेस्ट टॉपिक है। किसका? फिजिक्स से रिलेटेड जो अपन डिस्कस करेंगे, क्या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो ध्यान से इस टॉपिक को कॉप अप करिएगा। कोई भी चीज़ दिक्कत आती है अपन इसके अंदर बातचीत कर सकते हैं। क्या चीज़ हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट के अंदर आता है, व्हाट इज़ अ करंट, करंट क्या होता है, किस तरीके से सिस्टम में करंट डेवलप होता है, ये अपन ने प्रीवियस वाले चैप्टर के अंदर डिस्कस कर लिया था, जहाँ पर अपन ने बहुत सारी चीज़ देखी थी कि किस तरीके से करंट कंडक्टिंग एलिमेंट होता है और कौन सी चीज़ हमारे पास करंट की फॉर्मेट में वर्क करती है। जो काम पहले पूरा इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पर था, अब वो पूरा काम मैग्नेटिक फील्ड के बेसिस पर होगा। यानी अपन सब चीज़ें किसके रेस्पेक्ट में डिस्कस करेंगे, मैग्नेट के फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। जो बेटा मैग्नेट यहाँ पर यूज़ की जाती है वो हमारे पास एक तरीके की कौन सी होती है, बार मैग्नेट अपन यूज़ करते हैं। बार मैग्नेट सब लोग जानते हो, जो फिक्स शेप की होती है, जिसका खुद का अपना एक मैकेनिकल मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होता है, जो वैरी करता है पोल्स के रेस्पेक्ट में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की फॉर्मेट में। ठीक है, तो जो भी करंट, इलेक्ट्रिक करंट अपन प्रोड्यूस करते हैं हीटिंग इफेक्ट्स के साथ, एंड ऑल्सो प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक इफेक्ट, वो एक मैग्नेटिक इफेक्ट को भी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म। ये किसके थ्रू हो रहा है हमारा सारा काम? मैग्नेटिज्म के थ्रू हो रहा है। मैग्नेट तो सब लोग जानते ही हो। जो भी टर्म मैग्नेटिक इफेक्ट है, इसका रिजेंबल हमारे पास किया जाता है किसकी फॉर्मेट में, इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्मेट में। इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट हमारा क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है इन अ वायर, किसी वायर में, और वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है हमारे पास आसपास के एरिया के अंदर। समझ में आ गई बात यहाँ तक, कि जो भी इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास प्रोड्यूस होता है वो हीटिंग इफेक्ट की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, और उसी की वजह से हमारी जो चीज़ डेवलप होती है उसको अपन मैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। हियर इज द वे इन विच वी हैव टू ड्रॉ द मैग्नेट बाय यूजिंग अ सिस्टम बाय अ लॉन्ग रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट अपन ने यहाँ पर यूज़ करी है, जिसका एक अपने आप में क्रॉस सेक्शन एरिया होगा जो अट्रैक्ट करेगा पीस ऑफ आयरन को, स्टील, निकल और कोबाल्ट, इन सब के डेटा को क्या करता है, कैरी अप करता है। ठीक है, आगे बस समझ में यहाँ तक ध्यान से इसको। जो भी एंड होते हैं वो फ्रीली सस्पेंड होते हैं मैग्नेट के अंदर, विच पॉइंट टू अ नॉर्थ डायरेक्शन, इसको कहते हैं नॉर्थ पोल, और जो साउथ डायरेक्शन में होते हैं उसको कहते हैं अपन क्या, साउथ पोल। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे नॉर्थ नॉर्थ सेम वाले होंगे तो रिपेल करेंगे, नॉर्थ साउथ वाले होंगे तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ध्यान से इसको देखो, फिर अपन आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास क्या, मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड, क्या होता है? द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट, जो मैग्नेट के आसपास की जो पूरी जगह होती है जिसके अंदर हमारा कोई भी मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई किया जाता है, वो एक्जर्टेड होता है किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। जो भी डायरेक्शन है हमारा मैग्नेटिक फील्ड का, एट ए पॉइंट इज हमेशा डायरेक्शन किसके थ्रू होगा, रिजल्टेंट फोर्स के डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। जिस डायरेक्शन में मेरा फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में मेरी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जनरेट होगी। अभी आगे जा करके अपन इसको कुछ रूल्स में कन्वर्ट कर देंगे, जो कि राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल कहलाएगा। जैसे अपन ने पेन को अपन ने होल्ड कर रखा है अपने फिंगर्स के रेस्पेक्ट में, थंब हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वो चीज़ किसको इंडिकेट करती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करती है। ठीक है, जो भी फोर्स हमारे पर लगता है वो एक हाइपोथेटिकली नॉर्थ पोल पर होता है, उसको अपन रखते हैं एट अ पॉइंट, पॉइंट के रेस्पेक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास डेवलप की जाती है वो होती है हमारे पास क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एक बार मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया तो अब उसकी लाइंस भी जनरेट होगी। व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? मैग्नेटिक फील्ड आर द लाइंस ड्रॉन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जो कहाँ पर ड्रॉ होती है, मैग्नेटिक फील्ड में, अलॉन्ग विद नॉर्थ मैग्नेटिक पोल वुड मूव, जहाँ पर नॉर्थ मैग्नेटिक पोल क्या करेगा हमारा, मूव करेगा। जो भी मैग्नेटिक लाइंस बनती हैं उन्हीं को अपन मैग्नेटिक लाइन ऑफ क्या कहते हैं, फोर्सेस कहा जाता है। बेटा ध्यान से, एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना करके बता रहा हूँ, तो ध्यान से उस चीज़ को देखना कैसे हमारे पास चीज़ जनरेट होती है। से अगर ये हमारी मैग्नेट है, अगर मैंने यहाँ पर कोई पिन पॉइंट को रखा, या फिर कोई नॉर्थ साउथ वाले डायरेक्शन को इंडिकेट करने वाली अपन ने कोई पिन पॉइंटेड रख दिया है, या कोई निडल रख दी है, तो वो मूव करती रहेगी, और नॉर्थ पोल से कहाँ तक आएगी, साउथ पोल तक आएगी, और फिर वही अंदर की अंदर वो वापस से वैरी करता, वो वापस से कहाँ आ जाता है, नॉर्थ पोल पर आ जाती है। तो ये हमारे पास इंडिकेट करती है मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस को। जैसे इधर से होता है वैसे सेम इधर से भी होता है, लाइक दिस, इस तरीके से हमारे पास ये ओरिजिनेट होती रहती है।
ठीक है, तो वही सेम चीज़ हमारा जनरेशन यहाँ पर हर तरफ का हर चीज़ का वैरी करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज बिगिन फ्रॉम हमेशा नॉर्थ से शुरू होती है और कहाँ पर जाकर ख़त्म होती है, साउथ पोल पर। इनसाइड द मैग्नेट जो भी डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, फिर वही अंदर की तरफ हमारे पास वैरी करने लग जाएगी साउथ पोल से कहाँ पर नॉर्थ पोल तक। अब मैं प्लॉटिंग बताऊँगा अगले वाले के अंदर, तो ध्यान से देखना। डन, नाउ वी हैव टू स्टार्ट हाउ टू प्लॉट द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू बार मैग्नेट। किसी भी बार मैग्नेट के थ्रू अपन किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न को बनाते हैं उसको अपन यहाँ पर देखेंगे। पहला मेथड क्या कहता है, प्लेस अ कार्डबोर्ड। सबसे पहले तुम लोगों ने सबने देखा होगा अपन कार्डबोर्ड प्लेस करने वाला मेथड डिस्कस किया होगा तुम सबने, है ना। अपन ने एक कार्डबोर्ड लिया, उस कार्डबोर्ड के ऊपर उसके ऊपर नीचे की तरफ क्या लगा दिया, एक मैग्नेट लगा दिया, ठीक है। प्लेस अ कार्डबोर्ड ओवर ए स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट, स्प्रिंकल अ थिन लेयर ऑफ आयरन फिलिंग। अपन ने बहुत पतली पतली आयरन फिलिंग इसके अंदर क्या कर दिया, डाल दिया ओवर द कार्ड विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर मतलब वही जैसे चाय छन्नी का छानने का आता है वैसे ही हमारे सिस्टम आता है। एंड देन टैप द कार्ड जेंटली, और फिर इसको जेंटली अपन कार्ड को क्या करेंगे, हिलाएंगे। द आयरन फिलिंग अरेंज देमसेल्फ इन अ रेगुलर पैटर्न, ये रेगुलर पैटर्न में अपने आप अरेंज हो जाएगी। इसी अरेंजमेंट जो कहते हैं आयरन फिलिंग का गिव्स अस अ रफ पिक्चर, ये एक रफ पिक्चर बताएगा किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। मतलब अपने आप जो ये हमारे पास ये देखो स्प्रिंकल हमारे पास हो रहा है जिसकी वजह से पूरी आयरन फिलिंग हमारी अंदर की तरफ जा रही है। आयरन फिलिंग क्या एक्सपीरियंस करता है, मैग्नेटिक फोर्स को बताता है किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में, किसके साथ, बार मैग्नेट के साथ। ये बार मैग्नेट अपने आप पूरी की पूरी जो आयरन फिलिंग है उसको अपने आप अरेंज कर देगा, वही सेम नॉर्थ पोल से साउथ पोल, फिर देन साउथ पोल से वापस से कहाँ पर, नॉर्थ पोल की फॉर्मेट में। यही अरेंजमेंट आयरन फिलिंग का गिव्स अस रफ पिक्चर ऑफ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये एक मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न को इंडिकेट करता है जिस जो कहाँ से जनरेट हुआ, बार मैग्नेट के थ्रू जनरेट हुआ। ठीक, स्टिफ पेपर होता है जो बेटा यहाँ पर काम करता है, ठीक है। और जो भी फोर्स होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के किसी भी बार मैग्नेट में, मेक द आयरन फिलिंग टू अरेंज देमसेल्फ, ये आयरन फिलिंग को अपने आप अरेंज कर देता है उसी के पाथ में, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट था हमारे पास किसका, आयरन फिलिंग का, ध्यान से देख लो इसको। नेक्स्ट जो मेथड है बेटा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, वो किसके थ्रू है, कंपास के थ्रू है। एक कंपास अपन ने वो डिवाइस ली है जो शो करती है मैग्नेटिक फील्ड को, डायरेक्शन को, किस पॉइंट पर, जो भी पॉइंट उसने पॉइंट कर रखा है, पॉइंटेड कंपास को अपन प्लॉटिंग कंपास भी कहा जाता है। इसके अंदर हमारे पास टाइनी पाइवेटेड छोटी सी लगी हुई मैग्नेट नीडल होती है, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर, जो पॉइंटर की फॉर्मेट है ये वाली, विच कैन टर्न फ्रीली इन द हॉरिजॉन्टल, जो काम मूव करती है हॉरिजॉन्टल प्लेन पर कंटिन्यूसली क्या करती रहती है, मूव करती रहती है। इट इज़ एनक्लोज इन अ नॉन मैग्नेटिक मेटल केस हैविंग अ ग्लास टॉप, जिसके अंदर ऊपर एक कांच का बना हुआ, जैसे हमारी घड़ी के अंदर होता है ना वैसे वैसे कांच लगा हुआ रहता है ताकि वो अंदर के नीडल को प्रोटेक्ट कर सके। जो भी टाइनी मैग्नेटिक कंपास की उसी को अपन मैग्नेटिक नीडल भी कहते हैं। जो भी एंड होता है कंपास नीडल का पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली टू अ नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में होता है। जो भी टिप होता है कंपास नीडल का पॉइंट टू अ नॉर्थ डायरेक्शन, वेयर एज टेल मतलब स्टार्टिंग वाला नॉर्थ डायरेक्शन में होता है और जो इसकी टेल मतलब पीछे का हिस्सा होता है वो साउथ डायरेक्शन के अंदर होता है, ठीक है। ये पूरा पूरा हमारा इस तरीके से पाथ जनरेट होता रहता है इसके अंदर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर जनरेट होता था ऊपर से भी और नीचे से भी, ये डाइव बाहर की तरफ निकलते हुए और ये अंदर की तरफ आते हुए हमारे पास बनते हैं, ठीक है, साउथ की तरफ, ठीक है। जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से लीव्स द नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में घुस जाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन MFL मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम क्लोजर टू वन अनदर, ये बहुत पास में होती है एक दूसरे के, नियर द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट में, बट दे आर वाइडली सेपरेटेड एट सम अदर, किसको इसको अपन किसी दूसरे तरीके से अलग कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट और क्रॉस वन अनदर, ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती और ना ही एक दूसरे की लाइंस को क्या करती है, क्रॉस करती है, ठीक है। तो ध्यान से इसको देखो अच्छे से क्या कह रहा है, किस तरीके से, फिर अपन आगे का देखेंगे, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑन द मैट्रिक्स क्लासेस। बेटा आज जो अपन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा कल का टॉपिक का पार्ट है, जिसके अंदर अपन ने मैग्नेटिक इफेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया था। आज अपन मैग्नेटिक फील्ड को देखेंगे किसके अंदर, करंट कैरिंग कंडक्टर्स की फॉर्मेट में। क्या करंट कैरिंग कंडक्टर्स में ये किस तरीके से, ध्यान से इस करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में अपन देखते हैं क्या कहते हैं। सबसे पहले बेटा जो भी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होता है वो हमेशा स्ट्रेट फॉर्मेट में वैरी करता है,
ठीक है, कि अगर अपन किसी पैटर्न की बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू प्रोड्यूस होता है, और डिपेंड करता है उसके शेप पर। जो भी मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न है जो अपन प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो हमारे स्टेट कंडक्टर में होगा जो करंट को कैरी कर रहा होगा, सर्कुलर लूप के अंदर होगा जो वायर्स के बारे में बताएगा, यानी करंट कैरिंग वायर्स के बारे में बताएगा, या फिर तीसरी चीज़ होती है क्या, सोलेनोइड। सबसे पहली बात, जो स्टेट कंडक्टर है, स्टेट कंडक्टर मतलब जो बिल्कुल स्टेट फॉर्मेट में होते हैं, और सर्कुलर लूप्स कैसे होते हैं, जो सर्कल्स की फॉर्मेट में होते हैं, जिसमें करंट हमारा वैरी करता रहता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और तीसरा होता है सोलेनोइड, जो हमारे पास इस तरीके के शेप में होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, सोलेनोइड कहते हैं, जो भी करंट को कैरी करता है। इसके अंदर मेजर करते हैं अपन किसके थ्रू, नंबर ऑफ टर्न्स के थ्रू चीज़ें लिया जाता है, ठीक है। जो भी मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होगा, ये किसी भी सोलेनोइड के अंदर हमारे पास करंट को किस तरीके से लेगा, उसको देखना। सबसे पहले अपन एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ली, किसके, उसके आसपास अपन ने कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया, मतलब जो करंट को कैरी करने वाला होगा, है ना। एंड आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्मेट में होगा, ये अपने यहाँ पर शो कर रखा है, जिसका सेंटर लाई करेगा कहाँ पर, वायर में। और जो भी मैग्नीट्यूड होगा मैग्नेटिक फील्ड जो अपन प्रोड्यूस करना चाहते हैं किसी भी स्टेट करंट कैरिंग में, वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिस्टेंस के। और इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूंगा तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना आ जाएगा मेरा, आई अपॉन में कितना आर आ जाएगा। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से हमारा मैग्नेटिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल हो जाता है, आई अपॉन आर के। इसका प्रोपोर्शनल साइन अटैक करके अपन कुछ भी लगा सकते हैं, और वो चीज़ हमारे पास इंडिकेट करेगी किसके बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, ठीक है। ठीक है, इसीलिए हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड रहता है वो स्ट्रॉन्गर होता है उस पॉइंट पर जो कि बहुत ज़्यादा पास में है कंडक्टर के, एंड धीरे धीरे डिक्रीज होता चला जाता है जैसे जैसे उससे अपन कहाँ जाते हैं, दूर जाते चले जाते हैं। मतलब जितना ज़्यादा मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड होगी, जितनी कम मेरे पास डिस्टेंस होगी, उतनी मेरे पास स्ट्रॉन्ग क्या कहलाएगी, मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। ये मैंने सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर्स बना रखा है, यहाँ पर एक मैग्नेटिक निडल शो कर रखी है, ये एक स्विच है। जैसे मैं करंट को सेटअप करूँगा, ये कॉइल हमारा रोटेट करना शुरू करेगी, कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसकी वजह से सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारा सर्किट के अंदर करंट का फ्लोएशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू करंट कैरिंग वायर के अंदर। अगर डायरेक्शन हमारे पास करंट की बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है, स्ट्रेट वायर में, तो इसको कहते हैं अपन डायरेक्शन ऑफ किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, जो प्रोड्यूस हुआ है किसके अंदर, स्ट्रेट वायर में, कैरिंग करंट। और वही चीज़ अपन निकालते हैं मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल के। ये देखो मैक्सवेल राइट हैंड, अपन ने हमारी हैंड्स की ग्रिप के अंदर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को कैरी कर रखा है। अब जो थंब है वो हमारा पॉइंट करेगा, किसकी डायरेक्शन को बताएगा, करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। और जो आसपास चीज़ें तैयार होंगी वो डायरेक्शन होंगी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। तो यहीं से हमारा मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल जनरेट होता है। इमेजिन किया कि अपन ने कुछ होल्ड कर रखा है करंट कैरिंग वायर को, कहाँ पर, राइट हैंड पर, जिसकी वजह से हमारा जो थंब है वो पॉइंट कर रहा है किस डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में। एंड द डायरेक्शन इन विच योर फिंगर एंड सर्कल्स, और जिस डायरेक्शन मेरी फिंगर घूम रही है वो हमारे पास डायरेक्शन बता रहा है किसके, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है, अराउंड द वायर, वायर के कहाँ, आसपास, ठीक है। तो यही चीज़ हमारी इंडिकेट करती है किसको, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल को, ठीक है। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल को अपन मैक्सवेल कॉर्क इसको रूल भी कहा जा सकता है। क्या कहते हैं, कॉर्क इसको रूल। कॉर्क क्या होता है बेटा, किसी भी रॉड को अगर अपन हाथों में कैरी कर रखा है, ये वो डिवाइस है जो पुल की जाती है कॉर्क्स को फ्रॉम बॉटम, नीचे से अपन इसको पकड़ते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ स्पायरल मेटल रॉड। इसमें एक मेटल रॉड होती है और एक क्या होता है, हैंडल लिया जाता है, ठीक है। इसको अपन रोटेट कराते हैं, जिस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं वो तो हमारे पास कहलाता है मैग्नेटिक, ये डायरेक्शन कहलाता है हमारे पास क्या, मैग्नेटिक फील्ड का। और नीचे की तरफ जो आ रहा है वो कहलाता है डायरेक्शन ऑफ क्या, करंट। तो अकॉर्डिंग टू कॉर्क स्क्रू रूल, इमेजिन किया अपन ने ड्राइविंग ऑफ कॉर्क स्क्रू को उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मेरा करंट वैरी कर रहा है। तो जो भी डायरेक्शन होगी जिसके अंदर हम घूमेंगे, हमारा हैंडल मूव करेगा, वो बताएगा डायरेक्शन किसका, मैग्नेटिक
फील्ड का डायरेक्शन इंडिकेट करता है। ठीक है, जब किसी इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराता हूँ वर्टिकली डाउनवर्ड्स, देन जो भी डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो भी कैसी होती है, क्लॉकवाइज फॉर्मेट में ही होती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न होता है वो सर्कुलर लूप के अंदर होता है या सर्कुलर वायर के अंदर होता है जो करंट को क्या करता है, कैरी करता है। ओके, अब मैग्नेटिक इफेक्ट अपन देखें करंट का बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे वो सर्कुलर वायर के अंदर मूव करता चला जाएगा। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा सर्कुलर फॉर्मेट में ही तैयार होती है, एक तरफ से निकलती है और दूसरी तरफ ओरिजिनेट हो जाती है। मतलब अगर एक तरफ से अगर वो मूव करना शुरू करेगी तो दूसरी तरफ जा करके वो टर्मिनेट हो जाती है और क्या बनाती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्मेट में हमारा एक स्ट्रक्चर तैयार करती है। जैसे मैंने दो मैग्नेट यहाँ लगा ली, बाय चांस मैं इसको मान लूँ एक नॉर्थ पोल है और एक क्या है साउथ पोल है, तो जब इसका रोटेशन आसपास में घूमता रहेगा तो ये कभी ऐसी सिचुएशन भी आएगी जब वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन फॉर्मेट में आ जाएगा और वो एक जगह से मूव करता हुआ नॉर्थ से मूव करता हुआ कहाँ जाएगा, साउथ की तरफ, और साउथ से मूव करता हुआ कहाँ आएगा, नॉर्थ की तरफ। जैसे उसके अंदर करंट सेटअप हो जाएगा या मैं उसके अंदर बैटरी टर्मिनल लगा दूंगा और ये सारा का सारा काम जहाँ होता है उसको अपन कहते हैं थिन कार्डबोर्ड शीट के अंदर ये सब चीज़ें हमारी एक साथ वायरी करती है। ठीक है, ये वो वायर हैं जो करंट को क्या करने वाले हैं, कैरी करने वाले हैं, जिसके थ्रू हमारा करंट जनरेट होता है। नाउ एट एवरी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर जो भी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है वो एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड को आसपास के। एट द सेंटर ऑफ द लूप, लूप के सेंटर पर जो भी फील्ड अपीयर होगी वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है। जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं अपन करंट कैरिंग सर्कुलर वायर के अंदर वो पॉइंट करती है, डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पर। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं वो, ये वो अमाउंट ऑफ करंट होता है जो फ्लो होता है किसके अंदर, वायर में, यानी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। ये स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की किसकी वजह से है, करंट कैरिंग वायर की, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के। और जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, नंबर ऑफ टर्न्स है, कितनी बार वो घूम रहा है उसके, और कितना करंट उसमें जनरेट हो रहा है उसके, उन दोनों के प्रोपोर्शनल होता है। इसीलिए कहते हैं कि जो भी स्ट्रेंथ है हमारी मैग्नेटिक फील्ड की प्रोड्यूस होती है किसके थ्रू, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के थ्रू, और उसको अपन बढ़ाते हैं जैसे जैसे टर्न्स को बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे करंट को बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे उसका रेडियस इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, मतलब डिक्रीज करूँगा जैसे जैसे उसका रेडियस कम होता चला जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमारे पास अपन कहते हैं कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वैरी करता है किसी भी किसके अंदर, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के अकॉर्डिंग वैरी करता है। ठीक है, नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलेनोइड, अब सोलेनोइड की बात करते हैं। सोलेनोइड मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, सोलेनोइड मैंने थोड़ी देर पहले बताया था जो किसकी फॉर्मेट में होती है बेटा, रिंग की फॉर्मेट में होती है, जिसके अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ क्या होते हैं, टर्न्स होते हैं। करंट यहाँ से एंटर करता है और पूरे के अंदर वैरी करता है और डिपेंड करता है कितनी बार मेरा सोलेनोइड क्या किया है, रिवॉल्व किया है, मतलब कितनी बार मेरा वायर वैरी किया है। और इसके आसपास हम मैग्नेट रख देते हैं जो इसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है साउथ पोल और नॉर्थ पोल के रेस्पेक्ट में। अ सोलेनोइड को अपन डिफाइन करते हैं कॉइल में कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स है इंसुलेटेड कॉपर वायर के साथ, यही टर्न वाउंड क्लोजली टू फॉर्म अ सिलेंडर। क्या बनाते हैं ये, एक सिलेंडर स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। देखो ये रहा, ये पूरा का पूरा सर्कुलर लूप है, ये सोलेनोइड कहते हैं, ये टर्न्स हमारे वैरी कर रहे हैं इन से आउट की तरफ और ये सोलेनोइड का स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। नाउ जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है करंट कैरिंग सोलेनोइड में बिल्कुल सिमिलर है मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है कैसे, बार मैग्नेट के अंदर। जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी सोलेनोइड में वो हमेशा पैरेलल होंगी स्ट्रेट लाइंस में। इसका मतलब जो भी करंट कैरिंग सोलेनोइड है वो भी एक तरीके का नॉर्थ पोल और साउथ पोल के रेस्पेक्ट में ही क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है। और इसकी जो भी स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो करंट कैरिंग सोलेनोइड में होगी और डिपेंड करेगी वही टर्न्स पर, वही करंट पर, और वही नेचर पर जो भी सोलेनोइड के अंदर तैयार हो रहा है। ठीक है, इससे हमारा एक नया वर्ड जनरेट होता है जिसको आप लोग क्या कहते हो, इलेक्ट्रो मैग्नेट कहा जाता है। जो भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जाती है इनसाइड अ सोलेनोइड, इसको अपन यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, मैग्नेटाइज करने के लिए एक पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल को, जैसे सॉफ्ट आयरन। वैन जब मैंने सॉफ्ट आयरन को कहाँ रखा, कॉइल के अंदर, तो जो भी मैग्नेट हमारी फॉर्म होगी इसको आप लोग क्या कहोगे, इलेक्ट्रो मैग्नेट कहा जाएगा। अगर करंट किसी भी सर्कुलर लूप के अंदर एंटी क्लॉकवाइज है तो मतलब वो बिहेव कर रहा है लाइक नॉर्थ पोल, इफ करंट इन सर्कुलर तो वो बिहेव कर रहा है साउथ पोल। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज में वैरी कर रहा है तो वो क्या होगा, नॉर्थ पोल के थ्रू होगा, और अगर वो क्लॉकवाइज में वैरी कर रहा है तो वो किस में होगा, साउथ पोल में होगा, और वो सर्कुलर शेप को इंडिकेट करेगा।
ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे बेटा वो आएगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। यहाँ तक का पहले बहुत अच्छे से करो क्या हो रहा है, उसके बाद अपन बात करते हैं, ठीक है।